अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल आप सबके? आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेडरूम मेकओवर। और ये वाला जो बेडरूम है ना, इसको आज हम पूरा सेट करेंगे। इसका फर्नीचर न्यू मैंने ऑर्डर किया था। रूम की फाइनल लुक जब आप देखेंगे ना, तो आपको ये रूम इतना अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। वेल, अभी आप इस रूम की हालत देख लें। यहाँ पर जो है ना, रूम का मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये हमारा एक स्टडी रूम बना हुआ था। यहाँ पर हम अपने जॉब का वगैरह, कोई काम वगैरह करना होता वो कर लेते हैं, और बाकी जितने भी मेरी लॉन्ड्री वगैरह होती है वो मैं इधर ही रख देती थी। मेरे घर में सिर्फ 3 रूम्स हैं, और ऊपर वाले पोर्शन पे तो एक मास्टर बेडरूम है जो सबसे बड़े साइज़ का है, और एक उससे छोटा रूम है, लग वो इस रूम से थोड़ा सा बड़ा है, और ये रूम सबसे स्मॉल साइज़ का है। इसलिए हम इस रूम को ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते थे, और ना ही हमने इसका फर्नीचर कभी ऑर्डर किया था, और कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। लेकिन अब जो है ना, मुझे लगता है इसको ना एज ए गेस्ट रूम कन्वर्ट कर देना चाहिए हमें, क्योंकि मुझे लगता है घर में एक गेस्ट रूम भी होना बहुत ज़रूरी है। तो है इसको जो है ना, मैंने सारी यहाँ से चीज़ें उठा दी थी, सारा कुछ मैंने तो इसे क्लीन कर दिया, इसको बिल्कुल खाली कर दिया, ताकि यहाँ पर जब फर्नीचर वगैरह मैं सेट करूँ तो रूम बिल्कुल खाली और आराम से जो है ना, मैं सारी यहाँ के सेट वगैरह कर सकूँ। यहाँ के फर्नीचर के लिए मैंने अगेन अपना बेड जो है ना, वो हीटा होम से ऑर्डर किया था। हीटा होम से मैंने पहले भी अपना आउटडोर फर्नीचर ऑर्डर किया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था और आप लोगों को बहुत पसंद भी आया था। तो यहीं से मैंने अपना जो बेड है ना, ही ऑर्डर किया था। और इस रूम के लिए जितने भी चीज़ें हैं ना, मैंने सारी न्यू ऑर्डर की हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लिया है। तो बेड जो था ना, से मैंने हीटा होम से लिया था, बाकी कुछ मैंने अमेजोन से, होम गुड से लिया। और यहाँ का जो फर्नीचर है ना, ये हमें सिंगल बेड चाहिए था, क्योंकि रूम छोटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, बेड सिर्फ सिंगल बेड ही इधर यूज़ होना था। बेड का फ्रेम बहुत लाइट वेट है, और ये वाला जो बेड है ना, वेलवेट पे है, और इसका हेडबोर्ड बहुत स्टाइलिश और बहुत ट्रेंडी है, और बहुत कोजी सा, सॉफ्ट सा है। तो बहुत अच्छा मटेरियल इस पर यूज़ हुआ है, और इसको असेंबल करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ पर हेडबोर्ड रखूँगी, जहाँ पर मुझे बेड सेट करना है ना, तो उस जगह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले अगर बेडरूम में बेड सेट हुआ ना, तो उसके बाद फिर बाकी काम करने बहुत ईजी रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलकर सारा काम किया था, और थोड़ा बहुत जो था ना, मैं अकेले भी काम कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसे होते हैं कि जो मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प चाहिए होती है, मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ। पहले तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन अब जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अब आइडिया हो गया करने का, तो मैं आराम से बहुत ईजिली कर लेती हूँ। बेड का फ्रेम भी बहुत लाइट वेट है, और इसको असेंबल करना भी इतना ईजी था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। यहाँ पर जब भी आप फर्नीचर ऑर्डर करते हैं, फर्नीचर के ऊपर सब पार्ट्स के ऊपर नंबर्स होते हैं, तो बस आपने उन नंबर्स को कनेक्ट करना होता है साथ में, वो बहुत जल्दी फिर असेंबल हो जाता है, इसलिए इतना मुश्किल नहीं होता। बेड के साथ न्यू साइड टेबल्स हमने ऑर्डर की थी अमेजोन से, और ये भी बिल्कुल जो थी ना, हम लोगों ने खुद असेंबल की थी, और ये हमने कल बेड के असेंबल कर ली थी, जल्दी हो गई थी ये भी असेंबल। तो अभी बस बेड जो है ना, वो भी हमारा सारा कंप्लीट हो गया था, और बस जो है ना, इनके स्क्रू जो इनके थे ना, वो टाइट करने थे, वो मैंने सारे कर दिया था। अच्छा, इस रूम का जितना फर्नीचर है ना, ईच एंड एवरीथिंग मैंने सारा कुछ न्यू ऑर्डर किया है, और ये मैं कब से सब कुछ चीज़ें ना ले रही थी, ले लेके बस रख रही थी, और मैंने सोचा था कि जब भी सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर मैं इसको पूरा रूम को ना सेट करूँगी। ये बेड मुझे बहुत कम प्राइस पर मिला है, और हीटा होम के पास बहुत अच्छे अच्छे, बहुत डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ट्रेंडी स्टाइल में बेड्स हैं। और अगर आप कोई और देखना चाहते हैं, ज़रूर देखना। इनकी वेबसाइट और इनका बेड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी, आप ज़रूर विज़िट करना, और अपने लिए भी, अपने लिए घर के फर्नीचर को यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ट्रेंडी स्टाइल में इनके पास फर्नीचर हैं। रूम में कर्टन्स के लिए रॉड भी नहीं लगे हुए थे, तो हमने वो भी न्यू ऑर्डर किए हैं, और यहाँ पर हमने अपने न्यू रॉड्स लगाए हैं, ताकि हम यहाँ पर कर्टन्स भी लगा सकें। तो इस रूम में मैंने कर्टन्स भी नहीं लगाए हुए थे। रॉड मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे, और ये बैकआउट लाइनर्स हैं जो मैं लेकर आई थी होम गुड से, ये मुझे सेल प्राइस से मिले थे। ये सेट सिर्फ मुझे $10 का मिला था, और इसमें 4 पैनल्स हैं। बहुत डेकोरेटिव है, क्योंकि इसके अंदर ग्रे और वाइट का टच है, और साथ में बहुत स्टाइलिश सा ये पैनल लगते हैं लगे हुए। विदाउट कर्टन रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो कर्टन्स के साथ ना बहुत डिफरेंट सी रूम की लुक आती है।
इस रूम की सारी थीम जो है ना वो ग्रे कलर की है, तो सारी चीज़ें मैंने ग्रे में ली हुई हैं, वाइट और ग्रे के साथ है। और जो इसके कर्टन्स हैं ना वो भी मैंने ग्रे कलर के लिए थे। ग्रे मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, ये मैंने न्यू नहीं लिए थे, तो मेरे पास ये ऑलरेडी थे। इनको बस मैंने अच्छे से जो है ना वॉश कर लिया था और बस इनको मैंने लगा दिया। मुझे ना ये सारे काम करने में बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, मुझे लगता है ये मेरा टाइम जो है ना बहुत अच्छा गुजरता है। ये सब करने से मुझे एक तो बहुत रिफ्रेश सा फील होता है और मेरा मूड भी बहुत अच्छा रहता है। रूम के लिए मैंने न्यू पेंटिंग्स भी ली थी, साथ में ये बेड के ऊपर मैं लगाऊंगी। और ये बहुत मुश्किल से मैंने फाइंड की थी पेंटिंग्स, क्योंकि जब भी मैं जिस शॉप पे भी जाती थी पेंटिंग्स मुझे मिलती भी थी सेम, और या तो वो साइज़ उनका बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होता था या तो उनमें कोई ना कोई इशू होता था। तो ये वाली जो साइज़ में भी बहुत अच्छी थी और बहुत मुश्किल से मैंने ये फिर फाइंड की, और जो है ना ये कलर भी इसका जो मेरे रूम का थीम था उसके साथ मैच कर रही थी। तो फाइनली फिर मुझे बहुत मुश्किल से ये मिल गई और फिर मैंने इनको राइट अवे ले लिया था। और हमें लगाते हुए इतना टाइम लग गया इसको, क्योंकि पूरा हम लोगों को मैयर करना पड़ा था वॉल, कहीं वॉल ख़राब ना हो जाए, कहीं हम लोग गलत जो है ना मार्क ना कर दें, तो पूरा सेंट्राइज करना था इसको, तो बहुत टाइम लगा था पेंटिंग को लगाते हुए हमें। पेंटिंग्स के साथ ना घर में लुक बहुत अच्छी आती है आपके, बहुत स्टाइलिश सा घर आपका लगता है, बहुत मॉडर्न सा लगता है। तो मैंने इस पर लेकर आई थी लास्ट टाइम आप लोगों के साथ, जब मैंने लिविंग रूम की अपनी वीडियो शेयर की थी, तो आप लोगों ने कहा था कि सोफे के पीछे पेंटिंग होनी चाहिए। पता है इसमें अभी तक मैं पेंटिंग क्यों नहीं लगा सकी, क्योंकि मुझे कोई पेंटिंग पसंद ही नहीं आ रही उसके अकॉर्डिंग उस लिविंग रूम के, तो फाइंड करना बहुत मुश्किल है, तो उसका साइज़ देखना पड़ता, जिसकी वजह से जो है ना अभी तक मैं नीचे पेंटिंग्स नहीं लगा सकी हूँ। ये रूम के लिए मुझे बहुत मुश्किल मिली थी, है इसके साथ रूम बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो ये मैट्रेस है ना हम लोगों ने ऑर्डर किया था, ये कॉस्को से, ये न्यू पिलोज में लेकर आई थी कॉस्को के, बहुत फ्लफी और सॉफ्ट से थे। और मेरी ये न्यू बेडशीट है, ये भी मैंने होम गुड से ली थी, बहुत अच्छी है। अच्छा ये पूरी 100% कॉटन है, वैसे तो यहाँ पर आपको पता है जो बेडशीट्स मिलते हैं ना उस पर पॉलिस्टर ऐड होता लाजमी, लेकिन ये वाली जो बेडशीट थी ना इस पर पॉलिस्टर नहीं था, ये 100% कॉटन और बहुत अच्छी बनी हुई थी। इसमें दो डेकोरेटिव पिलो थे और एक ये कंफर्टर था, और इसके साथ जो है ना दो पिलो कवर्स थे। बेडशीट इसके साथ नहीं होती, तो इसलिए मेरे पास जो घर में होती है ना बेडशीट्स मैं वो ही यूज़ कर लेती हूँ। ये बैटरी रिवर्सेबल है, इसके दोनों तरफ डिज़ाइंस हैं और इसको दोनों तरफ से यूज़ किया जा सकता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस बैटरी का, तो इसको दोनों तरफ से मैं यूज़ कर सकती हूँ। बेड की साइड टेबल्स के लिए न्यू लैम्प्स मैंने ऑर्डर किए थे, और ये मैंने बहुत स्मॉल साइज़ में ऑर्डर किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था रूम का जो साइज़ है ना वो इतना बड़ा नहीं है, और बेड भी सिंगल है तो उसके अकॉर्डिंग ना जो स्मॉल लैम्प्स है ना वही अच्छे लगेंगे। बाकी रूम्स में मैंने बड़े साइज़ के लैम्प्स रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ही अच्छे लगेंगे। अगर मैं बड़े साइज़ के लैम्प्स यहाँ पर रखूँगी तो रूम बहुत कंजस्टेड सा लगेगा। कर्टन्स को कल मैंने वॉश किया था, तो बस इसको जो है ना आयरन करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं स्टीमर यूज़ करती हूँ। स्टीमर के साथ बहुत अच्छे से ये आयरन हो जाते हैं और इसके फोल्ड्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी लुक आती है इनकी। इस स्टीमर का बहुत फ़ायदा रहता है अगर आपके घर में हो ना, तो आपके कर्टन्स, आपके घर के जितने भी न्यू ब्लैंकेट्स हैं या बेड शीट्स हैं उनको स्टीम करना बहुत ईजी रहता है। वैसे तो हम इनको आयरन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, तो मैं जो न्यू बेड शीट्स अपनी लेकर आती हूँ या जो मैं वॉश करती हूँ तो उनके ऊपर बहुत सिलवटें होती हैं, तो फिर मैं इस तरह से स्टीम करके ना आयरन कर देती हूँ, तो स्टीमर को यूज़ करने से बेडशीट्स बिल्कुल रिफ्रेश हो जाती हैं। कर्टन्स को होल्ड करने के लिए मैं टायर बैग्स का यूज़ कर रही हूँ। ये टायर बैग्स बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव लगती हैं, इनके साथ रूम बहुत अच्छा लगता है, और मैं जो टायर बैग्स यूज़ कर रही हूँ इसको जैसे भी चाहें आप मॉडल कर सकते हैं। ये टायर बैग्स मैं अपने बाथरूम में
टॉवल्स को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये वॉल मिरर है, तो मैंने इसको वॉल पे अपने जो डोर है ना उसके ऊपर हैंग किया हुआ था, तो वहाँ से उतार के मैंने इसको यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिया। यहाँ पर भी ये पड़ा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। रूम के लिए जो मैंने साइड टेबल्स लिए इनके अंदर ऑलरेडी एलईडी लाइट है और इसमें ग्रीन ब्लू और रेड कलर है, तो ये साइड टेबल थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत मॉडर्न लुक है इनकी। मैंने जब ऑर्डर की थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये कलर मैच करता है कि नहीं करता, बेड के साथ कैसी लगेगी, पर ये बहुत अच्छी लग रही थी इसके साथ। रूम सारा सेट हो गया और मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। सो कैसा लगा आपको मेरा बेडरूम, आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।